जानू एक प्रैंक हो गया आपके साथ, प्रैंक हो गया। गाड़ी में निकल बस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आजकल फुल सेट और फुल पावर में होंगे जनाब। आज मैं बहुत खुश हूँ, उसकी रीज़न है कि हम लोग कई हफ्तों से प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे अपने लिए, मगर मिल नहीं रहा था। इस्लामाबाद भी गया, उसके बाद उसके गिर्दो नवा भी गया, लाहौर भी प्रोजेक्ट्स रह गए, मगर वो जोक्स, कई जोक्स निकले और जनाब साहब कई बिल्कुल ही समझ नहीं आए। एक गाड़ी हमें समझ आई थी और उसके बारे में जब हम लोगों ने उन्हें ऑफर की तो उनका ज़रा माइंड दाएं बाएं हो रहा था, मगर वो हमारे नसीब में थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई। तो आज खुशी की जो रीज़न है वो सिर्फ गाड़ी है, और गाड़ी आज रिवील करनी है। व्लॉग का बेसिक मकसद ये है, कुछ दोस्तों के पास चलते हैं और उनको जनाब साहब दिखाते हैं, उनसे अपनी खुशी शेयर करते हैं। व्लॉग बनाने का मकसद और ये तमाम खजल खुआरी का मकसद एक ही होता है कि यार आप लोगों तक भी बात पहुँचाई जा सके। तो जब आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, जब आपकी राय देते हैं बहुत खुशी होती है। सो व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें, और व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, और एंड में आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा। सो गाइज आए चलते हैं और जाते हैं, पहले आपको प्रोजेक्ट प्रॉपरली रिवील करते हैं, और रिवील करने के बाद अपने दोस्तों की तरफ चलते हैं, जाने के बाद उनके रिएक्शंस काउंट करते हैं। So guys, wait is over. जनाब जल्दी जल्दी से गैस कर लें क्या चीज़ है आपके सामने है। कुछ नज़र आया, कुछ समझ आया? कुछ समझ नहीं आया होगा आपको अभी तक, क्योंकि सरप्राइज, वाकई सरप्राइज है। फिर भी आपको एक इसकी लेंथ से आइडिया होना चाहिए यार, आप लोग तो जनाब कमाल करते हैं। एनीवे हमारे गाजी साहब को कहते हैं कि जनाब इससे पर्दा हटाया जाए और हमें दिखाया जाए। हमें क्या दिखाना है, आप लोगों को दिखाया जाए। तो बॉय सीन ये है कि अब गाड़ी रिवील करने का टाइम आ गया। सो 1, 2 and 3 ओके मारा जी, बिस्मिल्लाह। सुपर्ब जनाब, सुपर्ब। अब माशाल्लाह भाई, होप सो यू गाइस लाइक इट। बहुत प्यारा प्रोजेक्ट मिला यार। कैसा लगा, क्या लगा, कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं हमें, और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जनाब ये हम बैठ गए गाड़ी के अंदर और माशाल्लाह जी, आपको पता है कि मार्केक्स हो और फिर उसकी फील ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली ये मार्केक्स का एस पैकेज है और ब्लैक इंटीरियर है इसका। ये थोड़ा सा ज़रा यूनिक होता है और ज़रा ब्लैक ब्लैक रूम है, जिस तरह के आप देख लेंगे आने वाली वीडियोस में, और इसकी ब्लैक ही सीट्स हैं और ऑल ओवर बड़ी प्यारी लुकिंग है। अब सीन ऐसा है कि एक मज़े की बात बताऊं कि गाड़ी है फुल ऑप्शन, इसमें ट्रैक्शन है, स्पोर्ट सस्पेंशन है, और लटरम पटरम काफ़ी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सो गाइस सीन ऐसा है कि गाड़ी निकाल ली है, अब चलते हैं ज़रा कुछ दोस्तों के साथ शुगल मेला करते हैं, उनके रिएक्शंस चेक करते हैं तो, और आपको भी दिखाते हैं। असल में ये है कि कुछ मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो बड़े एक्साइटेड हैं, और उनको लग रहा था मैं कोई ओल्ड प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कह लें कि खपाई प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे एक्सपेक्ट वो कर रहे थे। तो अब जाते हैं उनके ज़रा कुछ रिएक्शंस चेक करते हैं और फिर वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो सीन इस टाइम ऐसे है कि अभी ये चलते हैं अरहम की तरफ, और अरहम को जाकर बेल करते हैं, बेल बजाने के बाद देखते हैं कि क्या रिएक्शन आने वाला है। अच्छा, जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था तो मुझे उसकी कॉल आई, तो वो मुझे अपनी अपनी सजेशंस दे रहा था, तो उस सजेशन में ये वाली गाड़ी बहुत ज़ोर से आई हुई थी। तो अब मैं जाके बड़ा एक्साइटेड हूँ कि क्या कह लें कि रिएक्शन होगा, विल इन्जॉय इंशाल्लाह। तो पहुँचते हैं अरहम की तरफ। लें जी, हम लोगों ने उस स्ट्रीट के अंदर टर्न ले ली है, वो खड़ी हुई है अरहम की गाड़ी, और
गेम इस तरह करते हैं कि इसके पीछे लगाते हैं ताकि ना नजर ना आए। मेरे असल में गाड़ी क्या किया है कि उसकी गाड़ी के ना पीछे लगा दी है ताकि थोड़ी इतनी क्लियर नजर ना आ सके। अब चलते हैं जाके सुकून मॉल, बेल शेल देते हैं, जाके देखते हैं कि क्या सरप्राइज है। तो सरप्राइज तो बेसिकली हम देने वाले हैं। टैन टैन लें जी, बेल दे दी है अमार गाजी साहब। गाड़ी बड़ी पावर की गाड़ी है, बड़ी टेले शेले हर चीज, इशारे शुरे, ट्रैक्शन, स्पोर्ट सस्पेंशन, पता नहीं क्या क्या। चले अब इसके मदद ले लेना। हाँ फिर जब थक जाएंगे इसके मदद लेके अब जब से वो ये लिया ना इस्लामाबाद नंबर की ना चस भर गई। मैं कहते यार जो गाड़ी हो ना इस्लामाबाद नंबर, यार प्लेट इस्लामाबाद बड़ी प्यारी लगती है, डिफरेंट लगती है, नई नई गाड़ी लगती है। बस वो गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हुई, लगे मिले, हाँ लगे लुगे सारा कुछ। और क्या चाहिए यार, ट्रैक्शन का बड़ा मजा है यार, ट्रैक्शन बटन दबाया गाड़ी फिरने लगी, फिरने लग पड़ती है। मैंने कहा यार एक सीन है वो चेक करना है, तो इत्तेफाक से वो दूर से ज़ुहेब की गाड़ी आ रहा है, वो किसी लड़की ने फिर रस्ते में तंग ना कर दिया। हमारा लेफ्ट से आ रहा है, इसको अक्सर लड़कियां तंग करती रहती हैं, हमारा शरीफ बच्चा, हम इसको संभाल के रख रहे हैं क्योंकि बेचारे के साथ मिसहैप हो जाते हैं। और यार इसी गाड़ी का दरवाजा चीला गया यार, बताया था इसको ज्यादा। ओ देखिए जरा इस तरह करके गाड़ी चलाएगा तो बच्चे नहीं आना, लड़का बाहर आ जाओ। आए 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 अस्सलाम वालेकुम बॉय, क्या हाल है, कैसी तबीयत, ठीक ठाक सुनाए जनाब, कैसी तबीयत, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। बस यार छोटा ओए 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 जनाब कैसी तबीयत सर, ठीक ठाक हो, बस यार जबरदस्त। कैसे आप सर, बस तुहानू असल इस गल है करनी सी कि BMW दे आज तक ना मैंने एक मोनोग्राम जड़ा मिसिंग हैगा सी ना वो परचेज कर लेते, ठीक है, ते आओ तुहानू मैं दिखाना। हां जी जी ईके चेक करे जी, माशाल्लाह बस बॉयज खुशी हुई, जज़ाकअल्लाह जी जज़ाकअल्लाह जनाब, जरूर भाई जान ये सरप्राइज है, माइट भी इसके अंदर 1JZ GT हो क्या पता, GT का सेटअप आ रहा है उस्ताद जी, अभी लगाया वो जरा एक उसके साथ जनाब। अब अच्छा मैनू
अरम साहब बड़े अरसे पहले कहते थे यार मार्केक्स लो मार्केक्स लो, याद है उस्ताद जी? मैंने मार्केक्स रखी थी तो हमजा भाई मुझे रोज कहते थे यार इन गड्डी ने सुटदा क्यों नहीं था चलो वो डाल इस पे रिम भरा डाल के तो हमजा भाई दिल्ली नहीं करता दिल्ली नहीं करता अब उन्होंने ले ली आप समझ गए मैं आज बात कर दिल्ली नहीं कर रहा यार टेले छेले फ्री जा रही है मजे आ ही जा रहे हैं मजे इसी चीज के मार्केक्स मशहूर इसलिए वही ना जेब साहब कैसी लगी सेट है यार दिल खुश हो गया लो बताओ ये कितने सीसी है 2500 3000 आप गेस करें उसके बाद फिर शर्त लगेगी जनाब अगर इन्होंने गलत दसिया तो इन्हों को पेनल्टी नहीं तो फिर जो भाई पेनल्टी हाँ 2500 3000 ठीक नहीं इंटीरियर देख के बता रहे चले नहीं इंजन नहीं सर बारह देख के दसो सर हाँ जी बैजिंग जान के उतारी मैंने कहा जरा सस्पेंस रहे सर ब्लैक रूम 10,000 cc ओनली अच्छा जी एक्सपोज होने लगा लो जी जनाब ने मेरा जो 2500 की भाई जान देख ले कोई टॉम एडिशन भी कह सकता है 3000 इंजन देखे बगैर बता दे नहीं 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 सर कंफर्म दस ना कंफर्म बताओ नहीं तो पेनल्टी पै जानी इंजन देखे बगैर अच्छा2500 खोले जी इनको जी सरप्राइज रिवील करें खोलो खोलो जी सारे मिलके बोलो खोलो बड़ा प्यारा यार हर चीज अपने नागे में थी कोई नहीं निकली जाना सेटअप बेचारा जी अच्छा नहीं लग रहा इतना अच्छे तरीके से पड़ा हुआ बोल्ट टू बोल्ट हर चीज मौजूद है जो सेटअप रखवाएंगे ना वो भी बोल्ट टू बोल्ट आएगा ऐसे फुल पैकिंग में आपको मिलेगा अनारी बंदे के पास नहीं जाना की तारे खुली है हम चाह रहे नहीं नट बोल्ट लगे बुलान का निकाल यार जोएब भी कोई बुलान पे कुछ चमत्कार करने लगे अब हम पूछते हैं जरा जोएब से जरा फुर्सत के अंदर के होने क्या लगा जोएब उसमें 3 UZ डाल लेंगे अगर आप बात करें मार्केक्स की तो मार्केक्स का यार एक अपना फील है मैं RX-8 भी ली थी उस टाइम पे बड़ी हाइप थी तब RX-8 तब बड़े एंजॉय उसके साथ किए मगर एक फील जो मार्केक्स की है ना ये लग्जरी फील ये वो उसके अंदर मौजूद नहीं थी तो खैर इसका एक्सपीरियंस मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ यार अच्छा हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं वो सडनली आए हैं अब आके वो मुझे कई बार बार कही जा रहे हैं यार आपने गाड़ी ली है मैं खामोश हो गया मैंने अरहम से कहा मेरे का यार चला जरा ये सरप्राइज दे के चलें भाई हमारे बड़े प्यारे भाई अफनान उनका नाम है हमारे प्यार से उन्हें चिट्टा जी बोलते हैं चलो ये चिट्टा साहब क्या करेंगे चिट्टा साहब देखते हैं क्या रिएक्शन देते हैं चले चले चलते हैं जनाब से चिट्टा से मिलते हैं तो अपनी मार्केट ज्यादा जाती है अपनी है यार तेरी है भाई अभी इंशाल्लाह इसको भी साहब करेंगे आए 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 जानो एक प्रैंक हो गया आपके साथ प्रैंक हो गया गाड़ी ओ भाई अफरान भाई ठीक है अच्छा जी पास है चेक करें जरा सारा कुछ जनाब हमने अफनान साहब को एक सरप्राइज दी अफनान भी क्या लगे कैसा लगा तो लेवल
ये रात की एक्टिविटी और दोस्तों से मुलाकात करना और उनको सरप्राइज करना, मैंने तो बहुत इंजॉय किया और जितना हो सके मैंने वीडियो में कैप्चर किया ताकि आप लोग भी मेरी खुशी में खुश हो सके। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट मेरा कैसा लगा। और तब तक अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।